वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। 30 मार्च सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीके सेक्शन में। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसका मंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो है, ये मौर्य वंश के संस्थापना में सबसे ज़्यादा इन्होंने ही अहम भूमिका निभाई है। मौर्य वंश जो है 321 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। आर्टिकल 14 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया या क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन है। इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन है। तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है भारतीय संविधान का, द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सब इक्वल रहेंगे लॉ के सामने। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो सबको जो है सेम प्रोटेक्शन और सेम इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, आर्टिकल 14 कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट की पिच की लंबाई पूछी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज या 20 मीटर, अगर गज में कहें तो 22 गज, मीटर में करें तो 20 मीटर होती है। और चौड़ाई जो है 10 फीट या 3 मीटर चौड़ाई होती है क्रिकेट की पिच की। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स से। ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो पूछा गया था भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक टैक्सेस के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, कर जो लगते हैं उनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत की पहली महिला शासिका के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, इसके क्वेश्चन पूछा गया था। रजरा सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। गोल्ड किसने जीता जेवलिन थ्रो ओलंपिक 2020 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी फेमस हुए थे ये नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो है ओलंपिक्स 2020 में जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में जो है गोल्ड जीता था। क्वेश्चन पूछा गया था पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि 1951 में प्रिपेयर किया गया था, कौन से एक्ट को लागू करने के लिए ये प्रिपेयर किया गया था। फ्रेंड्स, उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा वीडियोज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो कि 1951 में प्रिपेयर किया गया था, कौन से एक्ट को लागू करने के लिए इसको प्रिपेयर किया गया था। तो ये एक्ट जो पहला नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन्स का है वो असम में जो है लागू किया गया था, असम का बनाया गया था। और ये जो है इमिग्रेंट्स यानी कि एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को लागू करने के लिए किया गया था, पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स यानी कि एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950। अगर पार्ट बी की बात करें तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कब होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्राइवेट स्पीच को जो है वेगोत्स्की के अलावा किसने दिया है, प्राइवेट स्पीच को जो है वेगोत्स्की के अलावा और किसने दिया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था लिबिडो थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया था, लिबिडो थ्योरी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है SUPW की फुल फॉर्म पूछी गई थी, SUPW की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है SUPW की फुल फॉर्म है। एक PTSD की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म आपको पता है कि काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स जो हैं एग्ज़ाम में पूछी गई, और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में जो है फुल फॉर्म्स भर भर के पूछी गई, फुल फॉर्म जो है भर भर के पूछी गई। ठीक है, तो PTSD की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो कुरिकुलम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, कुरिकुलम से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, ICT के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, PTM और PTA के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। हर एक शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, पियाजे की स्टेजेज और वेगोत्स्की, इन सभी से क्वेश्चन पूछे गए। NPE नेशनल
जो एजुकेशन है, पॉलिसी है एजुकेशन की, उसके ऊपर 1986 के ऊपर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे। SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसे क्वेश्चन पूछेंगे, और PWD एक्ट से जो है क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा कोठारी आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोठारी आयोग की ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल एंड मैथ पेडागोजी से, सोशल एंड मैथ पेडागोजी की अगर हम बात करें तो उससे भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग मैथ की बात करें, इंग्लिश और हिंदी की बात करें, तो कोई भी चेंजेज नहीं आया, वही सेम टॉपिक सीरीज, सेटिंग अरेंजमेंट, फाइंड आउट फिगर, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट सीरीज, ओड वन, फाइंड आउट ब्लड रिलेशन, सिलोगिज़म्स, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, बार डायग्राम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, सेम क्वेश्चन, कैलकुलेटिव था, डेसिमल कैलकुलेशन थी, ठीक है, तो और रेशो और प्रोपोर्शन, ये सभी टॉपिक्स जो हैं, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, ईजिली डूएबल थे, कर सकते थे, लेकिन टाइम टेकिंग थे, और मैंसुरेशन से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो वोकेबलरी थोड़ी सी टफ थी, CGL लेवल की वोकेबलरी थी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर, फाइंड आउट सेंटेंस फिल, करेक्ट स्पेलिंग, पैसेज, ये सभी जो है कॉमन सेम पैटर्न रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। हिंदी में वही मुहावरे, वाक्य, विशेषण, काल, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ये सभी जो हैं हिंदी से पूछे गए, तो हिंदी में भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम बात करें थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा।